नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी रण की स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं सुशील पुनिया। दोस्तों, जैसा कि आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की तारीख घोषित कर दी है, 21 अक्टूबर को दोनों राज्यों की कुल 378 सीटों पर मतदान होना है और 24 अक्टूबर को दोनों ही राज्यों में परिणाम घोषित किया जाएगा। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों का पूरा शेड्यूल है वो ऊपर आई बटन वाले वीडियो में दिया गया है। अगर आपने पूरा शेड्यूल अभी तक नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पूरी जानकारी शेड्यूल की ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार फिलहाल कायम है। लोकसभा चुनावों के बाद मोदी सरकार 2.0 ने कई अहम फैसले राष्ट्रहित में लिए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाना, 3 तलाक को खत्म करना, राम मंदिर निर्माण पर अहम फैसला, एयर स्ट्राइक आदि। ऐसे कुछ जो मुद्दे हैं, जो चुनावी मुद्दे हैं, जैसे चुनावों में मुख्य रूप से हैं, वो याद किए जाएंगे और याद किए भी जाने चाहिए, क्योंकि ये सभी राष्ट्रवाद मुद्दे हैं और ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले 70 साल में सुनने को भी नहीं मिले थे। ये सभी देशभक्त और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसले हैं। पीएम मोदी ने वो ऐतिहासिक फैसले पिछले 5-6 साल में लिए हैं, जिन्हें पिछली 70 साल की सरकारों ने एक पिंजरे के अंदर लॉक करके रखा था। मतलब किसी ने भी इतने बड़े बड़े फैसले हैं वो नहीं लिए थे। अब चुनाव आयोग ने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों और अरुणाचल प्रदेश, आसाम सहित कई राज्यों की 64 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव करवाने का फैसला भी लिया है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इन सभी विधानसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा या इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी अहम भागीदारी इन चुनावों में रहेगी। खासकर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नाम काम और योजनाओं की कितनी भागीदारी होगी? क्या इन दोनों राज्यों में खट्टर और देवेंद्र, जो हरियाणा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनके नाम पर बीजेपी चुनाव जीत पाएगी? आप भी अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई है, तो वहीं हरियाणा की 90 सीटों में से 47 सीटों पर अकेले बीजेपी ने कब्जा करके हरियाणा के अंदर जो बीजेपी की सरकार है वो भी कायम है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि यदि इन दोनों राज्यों की जनता ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम काम और योजनाओं को मुद्दा बनाया तो दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी। कुछ प्रतिशत लोग ये भी सोचते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये भी सोचते हैं कि केंद्र और राज्य में अगर समान सरकार होगी तो ही राज्य का विकास है वो संभव हो पाएगा। ऐसी सोच रखेंगे तब भी हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की ही सरकार आने वाली है। यदि वहां की जनता ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि राज्यों में कांग्रेस के झूठे किसान कर्ज माफी वाले वादे, बेरोजगारी भत्ता देने वाले वादे जैसे बिल्कुल झूठे वादों के बारे में भी सोच लिया तो भी दोनों राज्यों में बीजेपी की ही सरकार आने वाली है। अगर आप इन दोनों राज्यों के वोटर होते या हैं तो क्या आप राज्य या केंद्र में से किसके काम को अपना मतदान करते या केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के नाम पर अपना मतदान करते? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ये तो क्लियर है कि कांग्रेस का पत्ता है वो बिल्कुल कट चुका है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस कभी भी काबिज है वो अब नहीं हो सकती। साथ ही आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में पल पल की खबरें आपको मिलती रहेगी। आपके द्वारा इस वीडियो को किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमें ये भी कमेंट बॉक्स में आप हमें ये भी बता सकते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर कैसा रहेगा,
और मनोहर लाल खट्टर और देवेंद्र फडणवीस के जो काम हैं, योजनाएं हैं, वो महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर कैसी थी, आप हमें उनकी योजनाओं और उनके कामों के बारे में भी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हरियाणा और महाराष्ट्र की चुनावी मैदान की अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।